हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आज मैं बताने वाला हूँ बीसीए बीपीटी बीबीए एंड सीएससी के डिपार्टमेंट की बारे में, जिन लोगों का बोनाफाइड नहीं जा रहा है उनके आज डिटेल्स बताने वाला हूँ। कितने पैसे जमा करना है वो सारा डिटेल मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। और अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो पाता है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, और ज्यादा सीरियसली अगर प्रॉब्लम रहेगा वो मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकता है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बीपीटी वाले को मैं बता देता हूँ, बीपीटी वाले जो बिहार से एडमिशन लिए हैं उन्हें कॉल करके पैसा मांगा जा रहा है। वो 5,000 पे कर चुके हैं और उसके बाद भी 15,000, 20,000, 25,000 और बोल रहे हैं। तो बात ऐसी है कि जो जितना जल्दी पे करेगा उसका एडमिशन होगा, क्योंकि एडमिशन का सीट जो है वो बहुत ही कम है और एडमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए ऐसा सिस्टम लगा दिया कि जो पहले पे करेगा उसका एडमिशन पहले होगा। तो आप लोग देख लेना, जिसके थ्रू आप लोग एडमिशन लियो, आप लोग उससे भी बात एक बार जरूर कर लेना कि ऐसा ऐसा बात है। अगर आप लोग को पता नहीं चल रहा है कि पेमेंट किस तरीके से करना है, ईआरपी पोर्टल पे आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर दिक्कत होती है पेमेंट करने में तो आप मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करें, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दे दूंगा। अब सीएससी वाले सुन लो ध्यान से, सीएससी का मैंने आज ऑफिस गया था, पीए ऑफिस, वहां मैंने पूछा बोनाफाइड कब तक जाएगा। उसने बोला है कि जो बोनाफाइड लास्ट जुलाई या अगस्त में चला जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको ज्यादा कंफर्म करना है कि कब तक जाएगा तो वो आप एडमिन ब्लॉक से पता कर सकते हो। मैंने एडमिन ब्लॉक गया, लेकिन जो सर बताते हैं कि कब तक बोनाफाइड जाएगा कब तक नहीं आएगा, जो मतलब बिहार वाले स्टूडेंट को देखते हैं डीआरसीसी वाले, वो आज सर छुट्टी पे थे, वो नहीं आया है। तो उनसे मैं मंडे को मिल लूंगा, आप लोग निश्चिंत रहे, मैं सारा सॉल्व करूंगा आप लोग का जितना भी प्रॉब्लम है। और अब बीबीए वाले आप लोग भी ध्यान से सुन ले कि कब तक वो ना फाइट चला जाएगा आप लोग का। मैंने बीबीए डिपार्टमेंट गया, बीबीए डिपार्टमेंट में बात ये हुआ, एक मुनावर सर है वो बिहार वाला स्टूडेंट का ईआरपी पोर्टल देखते हैं, तो उनसे मैंने बात किया। वो बोले कि जो बेटे बात ऐसा है कि जो बोनाफाइड जो है वो जुलाई तक चला जाना चाहिए, अगर जुलाई में नहीं गया तो अगस्त तक चला जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने पी ऑफिस आया पूजा मैम के पास, पूजा मैम भी बोली कि मेरे ख्याल से तो जुलाई तक हो जाना चाहिए सारे का, तो यानी कि कहीं ना कहीं मतलब कि जुलाई तक करवा ही देंगे। वो तो वैसे बोल रखे हैं कि जीमेल पे तो जाना स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जितने भी मतलब कमेंट में आ रहा है तुम ना सारे लोग को ये बोल दो निश्चिंत रहे और सारे लोग का एडमिशन होगा, लेट है लेकिन होगा, तो आप लोग भी ना घबराए, ठीक है, आप लोग का भी एडमिशन बहुत जल्द हो जाएगा। फिर मैंने गया है बीसीए डिपार्टमेंट, और बीसीए डिपार्टमेंट में भी जाकर मैंने यही बात रखा कि सर थे पीए ऑफिस में कोई बैठे, उनका नाम नहीं मुझे पता, मैंने पीए ऑफिस में जाकर यही बात रखा कि सर ये जो बिहार का स्टूडेंट एडमिशन लिया है इस बार फर्स्ट ईयर में सेशन 23-24 वाला, तो उन लोग का जो बोनाफाइड है वो कब तक चला जाएगा। तो सर ने बोले कि देखो बाबू, इसका जो भी डिटेल है वो तो एडमिन ब्लॉक से पता चलेगा, मेरे पास इसका इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ मैं बस ये इतना कह सकता हूँ कि जुलाई तक तो लास्ट जुलाई तक चला ही जाएगा। और सीटें वो बिहार वाले बच्चे के लिए लिमिट कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिमिट कर चुका है, ठीक है। अब क्यों लिमिट किया है उसका मैं भी रीजन बता देता हूँ। बात ऐसी कि जो सेशन वाइज 23 की थी उसमें बहुत सारे बच्चे बिहार के आ चुके हैं। अगर देखा जाए तो इधर ये MMDU में नेक प्लस प्लस है, और उसमें कहाँ का बच्चे ज्यादा है तो बिहार का। तो आखिर कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा लगता है कि यार इसमें आकर बिहार इस सारे भर गए हैं, तो इसलिए वो लिमिट कर दिए बिहार वाले बच्चे को। अब कितना लिमिट किया है वो मुझे नहीं पता, वो मैं पता करके बताऊंगा फिर। तो आप ये देख सकते हो कितना पसीना चला, चेहरा मेरा लाल हो चुका है। तो यार वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, मैं भी वायरल होना चाहता हूँ, आप लोग के हाथों में, देख सकते हो आप लोग कितना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। तो बाकी डाउट क्लियर नहीं होता वो आप लोग मैसेज किया करो मुझे इंस्टा पे, सारे लोग को रिप्लाई देता हूँ, अगर कोई ऐसा रह जाता तो मुझे कमेंट भी किया करो, कांटेक्ट नंबर भी दे रखे हैं जिससे अगर नहीं बोलो ज्यादा अर्जेंट रहता वो कॉन्टेक्ट मुझे कर सकता है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है इंस्टा पे, हर जगह दे रखे, सारा जगह से कॉन्टेक्ट आप मुझे कर सकते हो। लेकिन हाँ, ज्यादा कॉन्टेक्ट मत करो, ज्यादा कॉन्टेक्ट मतलब अगर एक दो बार हो गया तो बहुत है,
और कॉल कर करके भैया ये परेशानी, भाई तो तुमने ये मुझे बताया था कि तुमने एडमिशन किसके थ्रू लिया? मेरे थ्रू तो किसी ने एडमिशन नहीं लिया, फिर इतना परेशान मत करो मुझे भी। प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, अब ज्यादा परेशानी करोगे तो फिर मैं तो कॉल भी नहीं रिसीव कर पाऊंगा। चलो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।